नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। खबर बिहार के जहानाबाद जिले से आई है, जहां प्रसिद्ध बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ मच गई। सावन के सोमवार के चलते सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। मंदिर पहुंचने से पहले सीढ़ियों पर अचानक ये भीड़ बेकाबू हो गई, भगदड़ मच गई। कुछ लोग धक्का मुक्की से नीचे गिर गए और भीड़ उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ गई। हादसे में 7 लोगों की जान चली गई। मरने वाले लोगों में 5 महिलाएं शामिल हैं। 35 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका जहानाबाद और गया के अस्पताल में इलाज जारी है। सिद्धेश्वर नाथ मंदिर मखदुमपुर के बाणावर की पहाड़ी पर बना हुआ है। सावन के महीने में जलाभिषेक करने के लिए भारी संख्या में कांवड़िए यहां पर पहुंचते हैं। सावन सोमवारी को लेकर रविवार देर रात से ही श्रद्धालुओं की भीड़ यहां पर जुटने लगी थी, जहां पहाड़ी पर चढ़ने के दौरान ही भगदड़ मच गई और बड़ा हादसा हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों और मृतकों के परिजन प्रशासन की व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। सिद्धेश्वर मंदिर, जहां पर भगदड़ की यह घटना सामने आई, 7 लोगों की जान गई है और 35 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों के घर पे इस वक्त मातम पसरा हुआ है और वो प्रशासन के ऊपर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैनेजमेंट नहीं किया गया। अब आपको भगदड़ के बाद की कुछ तस्वीरें दिखाती हूं। मंदिर परिसर में हादसे के बाद से अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब पुलिस के जवान घायलों को मंदिर परिसर से बाहर ला रहे थे। कितना भीड़ ऊपर जा रहा है, पैरवा टूटल है पूरा एकदम, पैर पूरा टूटा हुआ है उसका। लाइन इन लोगों को लगवाना चाहिए था, इतना भीड़ अगर देख रहा था कि जहाँ भीड़। आप लोगों को सुन रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि लाइन लगवानी चाहिए थी, भीड़ बहुत ज्यादा थी, पैर टूट गया है। इस तरीके की घटनाएं सामने आई है। वो लगातार कह रहा है कि भीड़ थी और भीड़ के बावजूद भक्तों के लिए कोई लाइन की व्यवस्था नहीं थी। सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर भगदड़ कैसे मची, भगदड़ की शुरुआत कहां हुई और कैसे हुई। हादसे के चश्मदीद ने क्या कहा, ये भी आप सुनिए। भीड़ काफी भीड़ थी, लाइन में लगे हुए थे, सब लाइन में लगे हुए थे। तो एक फूल वाला जो सबसे ऊपर है ना, वो फूल वाला से बम का कोई बात लेके झगड़ा हो गया कि हमारे दुकान के तरफ की झुक रहे हो। तो ये भी लोकल आदमी होगा, वो भी कड़क गया तो दोनों में डंटा चलने लगा, तो सब पीछे भगदड़ हो गया था। आदमी पर आदमी गिरने लगे, काफी भीड़ था आदमी पर, कितना लोग चप के मर गए, कितना लोग घायल हो गए। एक फूल सबसे ऊपर जो फूल माली है ना, वही ऐसे किया था, वही डंटा चलाया था, उसी के वजह से सारा ही सब हुआ। और यह प्रशासन कोई के वहाँ टाइट नहीं, रास्ता में टाइट था लेकिन वहाँ पर प्रशासन टाइट नहीं था। प्रशासन के भी भैया लापरवाही थी, प्रशासन रहता ना तो फिर कैसे, जब मर गया सब लाश ढोड़ लिए, सब इधर उधर छुपाए, उसके बाद प्रशासन टाइट हो गया तो कैसे फिर आधा घंटा बाद जल चढ़ना चालू हो गया। एक मृतक महिला के परिजन से सीधे भगदड़ के लिए प्रशासन पर आरोप लगाते हुए आपने लोगों को सुना। लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस की जगह एनसीसी वॉलंटियर्स को व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई थी, जो भगदड़ के बाद हालात को संभाल नहीं पाए। हम 10 लड़का से बात किए जो पूजा पाठ करके आए हैं, वो बोले हैं कि वहाँ भगदड़ मच गया। भगदड़ का कारण है कि प्रशासन की कमी थी और वहाँ प्रशासन के अभाव में एनसीसी के लड़के लोग, कुछ वॉलंटियर लोग को लगाया गया और वो वॉलंटियर लोग लाठी का प्रयोग कर दिए। इससे पब्लिक लोग इधर उधर भागने लगे और भागने के दरमियान जो कुछ लोग जो गिर गए, वो गिरने के बाद उस पर 10-20-50-100 आदमी उस पर दौड़ के चले गए, तो जो गिर गया वो मर गया। हादसे की चश्मदीद और मृतकों के परिजन प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं अधिकारी इस बात से इनकार कर रहे हैं कि व्यवस्था में कोई चूक हुई हो। तीन सोमारी जो रविवार की रात्रि को जो भीड़ होती है ज्यादा, 3 सोमारी के बाद ये 4th सोमारी थी, जैसी सतर्कता है हम लोग उससे ज्यादा सतर्क थे। फोर्स और सिविल
मजिस्ट्रेट्स की डेपुटेशन होती है, मेडिकल टीम की डेपुटेशन होती है, सब कुछ व्यवस्था जैसे होती है वैसे की गई है। इंडिया टीवी संवाददाता नीतीश चंद्र जहानाबाद के उस अस्पताल पहुंचे जहां पर घायलों का इलाज जारी है। हादसे को लेकर खुद घायल क्या बता रहे हैं, वहां पर क्या घटना घटी है वो आप भी सुनिए। मंदिर में भगदड़ की घटना देर रात हुई थी, काफी संख्या में वहां श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। सोमवार को जल चढ़ाना था और महिलाओं की संख्या बहुत अधिक थी, कई बुजुर्ग महिलाएं भी थी। ऐसी एक बुजुर्ग महिला है जो जहानाबाद सदर अस्पताल में अभी भर्ती हैं। आप वहाँ गई थी जल चढ़ाने के लिए, रात में ही चली गई थी? हाँ हाँ, बाकी चढ़ा नहीं पाए, बहुत भीड़ थी क्या? हाँ, वो तीन सीढ़ी पर चढ़े लाव हलक और ऊपर से टेल दिया ना, सब हम सब तर हो गए। अच्छा, सीढ़ी के पास कोई घटना हुई, सीढ़ी थी वहाँ? हाँ, ऊपर से भीड़ नीचे की तरफ आई? हाँ। क्या वजह, शुरुआत कहाँ से हुई? ऊपर ही से नीचे तक। आप कहाँ थी उस समय? ऊपर तीन सीढ़ी चढ़े रहा ना, तब गिरे हैं ऊपर से टेला ना, तो सब हम सब हरा के नीचे चले आए। तो क्या फिर उसके बाद वहाँ तो कई लोग एक दूसरे पे गिरते चले गए होंगे? हाँ हाँ। तो वजह पता चली कि क्या हुआ था? कुछ लोग बता रहे थे झगड़ा हुआ कुछ लोगों में। नहीं, उसके बाद आप बेहोश हो गई यहाँ? सदर अस्पताल जहानाबाद में भी कई जो घायल हैं उनको यहाँ इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा मखदुमपुर जहाँ ये मंदिर है वहाँ के स्थानीय अस्पताल में भी कुछ घायल हैं, और जो घायल हैं उनका अभी इलाज किया जा रहा है। और घटना को लेकर जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार वहाँ पर एक माली से जो कि फूल बेच रहा था उससे एक श्रद्धालु की बहस हुई, उसके बाद फिर दोनों में जब झगड़ा होने लगा उसी को लेकर जो NCC के कैडेट्स थे उन्होंने उनको संभालने की कोशिश की, उन पर हल्का लाठी का प्रयोग किया और उसके बाद भगदड़ मच गई। तो फिलहाल अभी पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है और जो घायल लोग हैं उनका अभी यहां पर इलाज किया जा रहा है। जहानाबाद से RJD के सांसद सुरेंद्र यादव हादसे के बाद से घटनास्थल पर मौजूद हैं। उन्होंने राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया और कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। एक एक नौकरी भी मिलना चाहिए उसको, और जो लोग दोषी हों उसको बख्शा भी नहीं जाएगा। जो भी लोग, अभी तक आपको कितने की सूचना मिली है? हमको अभी तक आठ महिला के पुरुष मिलाकर दोनों का सूचना मिला है, और फिर 12 बजे तक इसका पूरा पता चल जाएगा। चूँकि कुछ लोग गया की ओर भी लेके चले गए हैं, उठाकर जो साथ में उनका परिजन था वो कुछ गया भी लेके गए हैं, तो गया वाले ले गए किस हॉस्पिटल में ले गए, मेडिकल तक तो नहीं पहुंच पाए पर गया में कहीं लगता है प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए हैं। तो टोटल शाम तक आपको हम अवगत करा देंगे कि टोटल कितना मिनट तक हुआ है। हादसे के बाद से अब तक का प्रशासन का रवैया आप देख ही रहे हैं, अलर्ट मोड पर है। मंदिर में दर्शन फिर से शुरू भी कर दिए गए हैं, जगह जगह पर पुलिस को तैनात किया गया है। मंदिर परिसर से लेकर सीढ़ियों पर पुलिस के जवान तैनात हैं और भीड़ को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर प्रशासन की तरफ से ऐसी ही व्यवस्था रात को भी देखने को मिलती तो शायद ये स्थिति पैदा नहीं होती, 7 लोगों की जान ना जाती। नीतीश चंद्रा हमारे सहयोगी इस वक्त जहानाबाद से लाइव जुड़े हुए हैं। नीतीश, एग्जैक्टली हुआ क्या था? जो चश्मदीद है या फिर जो खुद इस घटना का शिकार हुए हैं उनसे भी आप बात कर रहे थे, क्या वो जो मारपीट हुई थी उसके बाद ये भगदड़ हुई है या भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि कंट्रोल से बाहर थी? देखिए, भीड़ बहुत ज़्यादा थी क्योंकि सोमवार को जल चढ़ाने के लिए सिर्फ जहानाबाद से नहीं बल्कि आसपास के दूर दराज के इलाके से लोग जुटते हैं, और आप समझिए कि रात 12 बजे से ही वहाँ भीड़ जमा होनी शुरू हो गई थी। और मंदिर तक जाने का जो रास्ता है वो 3 रास्ता है, और वो तीनों रास्ते मंदिर के करीब आकर एक जगह मिलते हैं। तो जाहिर है जहाँ वो रास्ता मिलता है, जो मीटिंग पॉइंट एक तरह से बनता है, वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। और वहाँ चूँकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई उसको नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा था। कई जो घायल हैं उनको इस बात की जानकारी नहीं हुई क्योंकि वो उसमें गिर गए, बेहोश हो गए। लेकिन एक प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि वहाँ एक माली से जो फूल बेच रहा था एक श्रद्धालु की बहस हो गई क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो जो श्रद्धालु था वो उसकी दुकान की तरफ झुकता जा रहा था, उस पर गिर रहा था,
और उसने जब मना किया तो उसको लेकर दोनों में झगड़ा होने लगा और वहाँ पर एक दूसरे पर उसने लाठियाँ भी चलाई। इस दौरान जो वॉलंटियर्स वहाँ थे वो भी वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने भी लाठियाँ चलाई। तो इसके बाद जब लाठियाँ चलने लगी, मारपीट की स्थिति आई तो भगदड़ मच गई और उस भगदड़ में जो नीचे की तरफ सीढ़ियाँ थी उस पर एक के बाद एक लोग गिरते चले गए। महिलाएं काफ़ी संख्या में होती है आमतौर पर इस सोमवार के जल चढ़ाने के लिए, तो बुजुर्ग महिलाएं भी काफ़ी थीं, बच्चे भी थे, तो एक दूसरे पर लोग गिरते चले गए।